We can make out that sound travel with a speed which is much less than the speed of light. We can make out. हम इस बात को समझ सकते हैं कि sound जो है travel करता है वो speed of light का जो होता है उसके comparison में बहुत कम होता है. यानी speed of sound जो होता है वो less than होता है speed of light से. The speed of sound depend on the properties of the medium through which it travel. स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टी पर जिसके द्वारा वो ट्रेवल कर रहा है. यू विल लर्न अबाउट दिस डिपेंडेंस इन हायर क्लासेस. इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि डिपेंडेंस कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है. द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम. जो स्पीड ऑफ साउंड है मीडियम में वो डिपेंड टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है मीडियम के, कि मीडियम का टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है. द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेज. स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाती है जब हम सॉलिड से गैसियस स्टेज में जाते हैं. इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड द साउंड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज. इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में वी इंक्रीज द टेम्परेचर. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाता है. उदाहरण के लिए देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो है वो 331 मीटर पर सेकंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 344 मीटर पर सेकंड पर जो है एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ गया. द स्पीड ऑफ साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन वेरियस मीडिया आर लिस्टेड इन टेबल 12.1. अलग अलग प्रकार का स्पीड ऑफ साउंड जो है भिन्न भिन्न मीडियम में पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टेबल 12.1 में दिया गया है. You need not memorize the value. आपको इन वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है. ये लिस्ट में दी गई है सारी वैल्यू सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, कौन कौन से सब्सटेंस की कितनी स्पीड है. तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका लिस्ट में दिया हुआ है और ये एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है. नेक्स्ट 12.3, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड बाउंसेज ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंस ऑफ अ बॉल. साउंड जो है वो बाउंस होता है सॉलिड और लिक्विड में, जैसे कि कोई रबर बॉल दीवार से बाउंस होती है. जब आप दीवार पे बॉल मारते हैं तो वो वापस आती है उतनी स्पीड से. लाइक लाइट साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन एज यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस. साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, जैसे कि लाइट में होता है. लाइट का आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि उसमें इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो वाला लॉ सेम यहाँ पे काम करता है साउंड में भी. साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड. साउंड जो है सॉलिड की सरफेस से रिफ्लेक्टेड हो जाता है या लिक्विड की सरफेस से. फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम उसी लॉ को फॉलो करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, एज यू हैव स्टडीड इन अर्लियर का, जो कि आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है. द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द डायरेक्शन इन विच द साउंड वेव इंसिडेंट, जिस डायरेक्शन से साउंड वेव इंसिडेंट होती है, गिरती है, इज रिफ्लेक्टेड मेकर और फिर रिफ्लेक्ट होती है, तो वो एक इक्वल एंगल बनाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर. एंड देयर आर इन द सेम प्लेन, और ये सब जो है सेम प्लेन पे होता है, यानी रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये सारा एक ही सरफेस पे होता है. द ऑब्स्टेकल ऑफ लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. जो ऑब्स्टेकल है वो लार्जर साइज, बड़े साइज का होना चाहिए, जो कि क्या है, पॉलिश भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है. इसकी हमें साउंड वेव की रिफ्लेक्शन के लिए जरूरत पड़ती है. एक्टिविटी 12.5, टेक टू आइडेंटिकल पाइप एज शो इन फिगर 12.11. दो आइडेंटिकल पाइप लीजिए जैसा कि फिगर 12.11 में दिखाया गया है. यू कैन मेक द पाइप यूजिंग चार्ट पेपर, और आप इस पाइप को चार्ट पेपर की सहायता से बना भी सकते हैं. द लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी सफिशियंटली लॉन्ग एज शोन, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, आवश्यकता अनुसार पाइप लंबे होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए. अरेंज देम ऑन अ टेबल नियर अ वॉल, और दीवार के किनारे इनको आप अरेंज कर दीजिए, रख दीजिए. कीप अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ वन ऑफ द पाइप एंड ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप. यानी जो आपने जो पाइप बनाया उसकी एक साइड में क्लॉक रख दीजिए और दूसरी साइड से आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए. एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पाइप सो दैट यू कैन बेस्ट हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक, और पाइप को एडजस्ट करिए जब तक कि आपको साउंड की, क्लॉक की साउंड अच्छे से सुनाई ना दे. नाउ मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन द सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल. अब आप मेजर करिए एंगल्स को, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल्स को, इन दोनों के बीच में संबंध देखिए. लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली,
to the small height and observe what happened. अब इस पाइप को राइट साइड में वर्टिकली स्मॉल हाइट पर लिफ्ट करिए और देखिए क्या होता है. 12.3.1 इको. इको मतलब गूंजना, प्रतिध्वनि होना. इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ टॉल बिल्डिंग और माउंटेन. यदि हम किसी रिफ्लेक्टिंग बिल्डिंग के करीब जाके, किसी भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास जाके, जैसे कि बिल्डिंग है या माउंटेन है, क्लैप करें या चिल्लाएं, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर. तो हमें वही आवाज थोड़ी देर बाद दोबारा सुनाई देती है. दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको. इस साउंड को जो हमें दोबारा सुनाई देती है हम इको कहते हैं, गूंजना जैसे कहते हैं, आवाज का गूंजना. द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड. जो साउंड का सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन में बना रहता है 0.1 सेकेंड के लिए. टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड. टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको. जो अलग अलग इको है, यानी कि जो ओरिजिनल इको है जो हमने पहले आवाज बोली और जो रिफ्लेक्ट होके आई है, उनके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस रहता है. इफ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 344 मीटर पर सेकेंड एट अ गिवन टेम्परेचर. यदि हम कोई स्पीड ऑफ साउंड है जिसको कि दिए हुए टेम्परेचर पर हम 344 मीटर पर सेकेंड मानते हैं, उसकी स्पीड है से एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर, और एयर में टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, द साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टिकल एंड रीच बैक द ईयर टू द लिसनर ऑन रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड. तो साउंड जो है वो जाएगा और ऑब्स्टिकल मतलब जो भी सामने है, पहाड़ है या कोई महल की दीवार है या जो भी है ऑब्स्टिकल, उससे टकरा के वापस हमारे कानों तक रिफ्लेक्ट होके 0.1 सेकेंड में आता है. हेंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट 344 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू 34.4 मीटर. तो इसलिए जो टोटल डिस्टेंस है जो कवर किया गया है साउंड के द्वारा, जहां से वो जनरेट हुआ है प्लस जो भी सामने वॉल है या पहाड़ है जिससे वो टकराया और टकरा के वापस आता है, उसमें जितना भी टाइम लगता है वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय जितनी देर वो बना रहा 0.1 सेकेंड, जैसा कि बताया ऊपर. इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू निकल जाती है. दस फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इको. इसलिए अलग अलग इको, अलग अलग जो आवाज है उसको सुनने के लिए, द मिनिमम डिस्टेंस जो सबसे कम डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल का फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस. वो कितना होगा, डिस्टेंस का आधा होगा. तो डिस्टेंस हमारा था 344, तो इसका आधा कर देंगे तो वो होगा दैट इज 17.2 मीटर. दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर. और ये जो डिस्टेंस है वो एयर के टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा. इको मे बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन. इको जो है, जो आवाज है हमारी, जो प्रतिध्वनि है, वो एक से ज्यादा बार सुनाई दे सकती है सक्सेसिव या मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से. द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो रोलिंग थंडर है, रोलिंग थंडर का मतलब है जब बादल गरजते हैं तो दो तीन आवाजें एक साथ सुनाई देती है बादल गरजने के साथ, बिजली जब चमकती है, वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की वजह से होता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कई सारी सरफेस से टकरा के आवाज वापस आ रही है, तो इस वजह से दो तीन साउंड हमें सुनाई देती हैं, सच एज अ क्लाउड एंड लैंड. वो सरफेस कौन कौन सी हो सकती हैं, क्लाउड और लैंड, जिनसे कि टकरा के वो साउंड जो है वापस आ रही है. रिवर्बरेशन 12.3.2. रिवर्बरेशन का मतलब होता है प्रतिध्वनि. अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल until it is reduced to a value where it is no longer audible. Sound created. कोई भी sound जब बड़े hall में create करी जाती है तो वो बनी रहती है और उसका repeated reflection जो है आता है दीवारों से, और तब तक आता है जब तक कि उसकी जो value है वो बहुत कम नहीं हो जाती या फिर बिल्कुल सुनाई देना बंद नहीं हो जाती. इसका मतलब ये हुआ कि हम mountain पे जाके चिल्लाते हैं मान लीजिए अपना नाम, तो हमारा नाम पहली बार जब हमें रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देगा तो वो उतना ही तेजी से सुनाई देगा जितनी तेजी से हमने बोला है, और फिर धीरे धीरे वो आवाज कम होती जाएगी. मान लीजिए किसी का नाम माधुरी है तो वो पहली बार में माधुरी तेज सुनाई देगा, फिर धीरे धीरे माधुरी 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 ऐसे करके धीरे धीरे इतना स्लो हो जाएगा कि जब तक वो हमें सुनाई देगा तब दो तीन बार ठीक सुनाई देता है, उसके बाद में जब तक उसकी ऑडिबल क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है उसके बाद सुनाई देना बंद हो जाता है. तो वो यही कह रहे हैं कि परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स अंटिल, जब तक कि इट इज रिड्यूस द वैल्यू, जब तक उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती वेयर इट इज नो लॉन्गर ऑडिबल, जब तक कि वो सुनाई देना बंद नहीं हो जाता कि अब वो सुनने लायक नहीं है, इतनी धीमी आवाज हो गई है कि अब उसको सुना नहीं जा सकता.
The repeated reflection that result in this persistence of sound is called reverberation. ये जो repeated reflection है, जिसके परिणाम स्वरूप जो sound है, वो बना रहता है, उसी को reverberation कहते हैं. जैसे कि प्रतिध्वनि. In auditorium or a big hall, excessive reverberation is highly undesirable. कोई भी auditorium hall है, जैसे कि आपके college और स्कूलों में होता है, जहाँ programs होते हैं, और या फिर कोई hall है. या तो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव रिवर्बरेशन इस तरीके की जो प्रतिध्वनि होती है वो हाईली अनडिजायरेबल होती है. यानी इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जब भी कोई बोले तो उसकी रिवर्बरेशन ना हो. क्योंकि मान लीजिए कोई हॉल है, अगर हॉल में मूवी चल रही है और मूवी उसकी जो वॉल है हॉल है वहां पर रिवर्बरेशन होता है, प्रतिध्वनि आती है, तो आपको ना तो मूवी सुनाई समझ आएगी ना ही उसके डायलॉग सुनाई देंगे. क्यों? क्योंकि सारे डायलॉग रिपीट होके आएंगे दीवार से टकरा के. तो ये हाईली अनडिजायरेबल, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे ये चीज ना हो. तो रिड्यूस रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए ऑडिटोरियम और हॉल में क्या चीज का ध्यान रखते हैं? रूफ और वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड एब्सॉर्बेंट मटेरियल. तो वहां की जो छत है और जो दीवारें हैं उस ऑडिटोरियम की, वो साउंड एब्सॉर्बेंट मटेरियल से बनाई जाती है. लाइक कंप्रेस फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टिक, प्लास्टर एंड ड्रेपरीज, ये मटेरियल यूज किए जाते हैं क्योंकि ये साउंड एब्जॉर्बेंट है. द सीट मटेरियल आर ऑल्सो सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी. और जो वहां पे सीट बनाई जाती है लोगों के बैठने के लिए, उनमें भी साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी के आधार पर बनाई जाती है. यानी उनमें भी वो मटेरियल लगा होता है कि वो साउंड को एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट इज 12.3.3 यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. मेगाफोन्स और लाउड हेलर, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट एंड शहनाइज are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all directions. ये जो सारी चीजें हैं, horn है, musical instrument है, ये सारे इस तरीके से design करे जाते हैं कि particular एक ही direction में अपनी आवाज को फैलाए, ना कि सभी direction में. क्योंकि अगर सभी direction में वो फैलाएंगे तो एक मधुर ध्वनि बनके एक music तैयार नहीं होगा. तो इसलिए इनको इस तरीके से design किया जाता है कि एक ही direction में इनका sound जाए, जैसा कि figure में दिखाया गया 12.12 में.